अरे 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 अब रुकिए रुकिए, अरे कौन है? अरे बेटा रुकिए बाबूजी, कुछ चक्कर सा, क्या हो गया आपको? बेटा कुछ चक्कर सा आ रहा है। अब एक काम करिए, इधर आइए आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से आप यहाँ बैठिए, आराम से यहाँ बैठिए। अरे बेटा लगता है आपको ज्यादा चक्कर आ रहा है, पानी लेकर आऊं क्या आपके लिए? हाँ बेटा रुकिए, मैं दुकान से पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, मुझे तो दुकान पर भी पानी नहीं मिला, मैं किस मांग कर लाई हूँ, अब थोड़ा सा पानी पी लीजिए इसमें से। आप इतनी धूप में? अरे बेटे बस मैं काम से आया। काम से? किस काम से आए थे और कौन है आप? बेटे मैं गंगापुर से आया हूँ। गंगापुर से? हाँ बेटा। गंगापुर में तो मेरी भी ससुराल है। अच्छा तुम्हारी ससुराल? हाँ। अच्छा बेटा आप रिलैक्स है ना? हाँ बेटा अब तो पहले से आराम है। ठीक है। तो आप जा कहाँ रहे थे? बेटा कुछ सामान लेने आया था शहर में, तो इस वजह से थोड़ी। सामान मतलब किस चीज़ का? अरे हमारा ट्यूबवेल खराब हो गया था, उसका वो लेने आया था। ओ आप ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं क्या? हाँ हाँ मेरे आपके गांव में भी है? हाँ गांव है, खेती बाड़ी है हमारी। बेटा गंगापुर में? गंगापुर में किसके यहाँ ससुराल है तुम्हारी? गंगापुर में वो मैं अभी कहीं कभी गई नहीं। आप एक काम करिए पहले मेरे घर चलिए, आपकी तबीयत खराब है ना, थोड़ा आपको लोग चाय। अरे नहीं बेटा मैं निकल जाऊंगा, तुम परेशान मत। अरे नहीं नहीं आप चलिए ना, वैसे भी आप मेरे पति के गांव के हैं, इतना मेरा फर्ज बनता है ना। ये मेरा घर है, आप बैठिए। अच्छा ये तुम्हारा घर है? हाँ मैंने कहा नहीं था, मेरा घर पास में ही है। अच्छा अच्छा अरे बेकार परेशान हुए। अरे परेशान आप कैसी बातें करते हैं, एक काम करिए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये आपका थैला? हाँ हाँ बेटा ये मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ बड़ी अच्छी बेटी है, ऐसे होने चाहिए लोग। ये लीजिए पानी पीजिए। बेटे बताया नहीं तुमने कि गंगापुर के यहाँ किसके यहाँ रहते? ओ गंगापुर में वो क्या है ना, मेरे पति अभी लेकर मुझे गए नहीं और पिताजी का मुझे भी नाम पता नहीं, लेकिन हाँ वो वृंदावन गए हैं यात्रा पर। अच्छा 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 बेटे बस पानी बहुत ठंडा सा है, वो फ्रिज का है ना, फ्रिज में से लेकर आई हूँ। अच्छा 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 हमारे यहाँ तो बेटे ट्यूबवेल पे निकलता है मगर ऐसा नहीं निकलता, ये तो बहुत ठंडा सा है तो दिल को बड़ी। मैंने तो कभी ट्यूबवेल का पानी नहीं पिया। बड़ा अच्छा पानी है बेटा। हाँ हाँ अच्छा तो बेटा मैं चलता हूँ। आप चलते हो कहाँ? अब कहाँ गाँव जाऊंगा? आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे पति से मिलने के बाद जाएंगे, अभी नहीं, नहीं वो आते ही होंगे, और वैसे भी आप उनके गांव के हैं, वो तो आपको पहचान ही लेंगे कि आप कौन हैं। अरे बेटा गांव को छोटा मोटा छोड़िए जो मुझे पहचान ले, गांव तो हमारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अरे क्या पता आपको पहचान ले। अरे बेटा जानते हो आपको, वो शहर में रहता है और मैं गांव में रहता हूँ, अब मैं बड़ा बूढ़ा वो जवान बच्चा तो इतनी कहाँ मुलाकात हुई होगी जब मुझे पहचानेगा। ना भी पहचान पाएंगे तो मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, खाना खा कर जाएंगे। अरे नहीं बेटा इतना परेशान मत हो। परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं खाना बना रही हूँ ना, आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, आप आराम करिए। चल तो मैं खाना बनाती हूँ। कितनी सुशील बहू है ये बताओ, घर में अकेली रह रही है और फिर भी इतने अच्छे संस्कार के पराए आदमी को खाना भी तबीयत भी रोड से उठा के ले आई, पहाड़ी भगवान खुश रखे। अरे जय तू यहाँ पे कैसे? पिताजी आप यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? मैं सोच रहा हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं गलती से आ गया था, मैं चलता हूँ। अरे सुन तो सही, तू तो बाहर गया था, यहाँ कैसे? पिताजी वैसे मैं बैठ जाऊँ। बैठ बैठ बैठ, आप इस घर में क्या करने आए हैं? अरे नालायक तू तो बाहर गया था, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या खाएंगे? अरे आप आ गए? हाँ, आप इनको जानते हैं ना, ये आपके गांव के हैं। आ गए? अरे क्या हुआ रास्ते में इनको इतना जोर से चक्कर आया, अरे ये तो गिर जाते, वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे पहुंच गई
और इनको पकड़ लिया और इनको पानी भी पिलाया और फिर मैं इनको अपने घर ले आई। वैसे बहुत अच्छा किया ना। ये कौन है? यही मेरे पति हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत अच्छे हैं। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ? मेरा नाम सपना है। सपना, बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा। सपना जी। अच्छा तो बेटे मैं चलता हूँ। चलता हूँ? अरे क्यों, मैं तो आपके लिए खाना बना रही थी। अरे नहीं, खाना वाना कुछ नहीं बेटे, मैं आता जाता रहूंगा। अरे नहीं बाबू, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं बगैर खाना खा। अरे वो इतना कह रही है तो रुक जाइए ना। हाँ अरे आप इतनी उसमें अकेले आए, कुछ खाया ना पिया और चक्कर भी आ गए। अरे कोई बात नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा तो मैं चलता हूँ। अरे आप खाना खा लेते। नहीं बेटे बस चलता हूँ। अरे मेरा थैला जी, आप इनको छोड़ के आइए ना, वो अकेले चले जाएंगे। हाँ। बड़े बूढ़े हैं, जाइए। पिताजी पिताजी रुकिए ना, मर गया तू मेरे लिए। अरे पिताजी एक बार मेरी बात तो सोच लेना, गांव में तेरा बाप मर गया। पिताजी मेरी एक बार बात तो सुनिए कि पूरी बात क्या है। बात हाथ मत लगा मुझे, तू शहर में ये सब करने आया था? पिताजी आप मेरी बात समझने की कोशिश तो। क्या बात समझू तेरी, वो तो अच्छा है कि मैंने तुझसे वहां कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो कितनी भली लड़की थी और कितना प्यार भी करती है तुझे, और जब उसका विश्वास तोड़ेगा तब उसके दिल पे क्या बीतेगी। और एक वो राधा, उसको भी तू धोखा दे रहा है। मैंने तो तुझे सोचा भी नहीं था कि तू इतना कमीना और नीच निकलेगा। शहर में आकर तू ऐसे ऐसे गुल खिला रहा है, अभी किसी को बताऊं तो क्या कहेगा कोई? क्या मैं जी पाऊंगा? किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे नालायक, अब मैं तुझसे क्या कहूं? जब तुझे यहां पे शादी करनी थी इस भली लड़की के साथ, तो तूने उससे राधा से क्यों हामी भरी? क्यों मेरी वो उस गांव में नाक कटवाई? बोल, अब कुछ है तेरे मुंह में जवाब है या नहीं? पिताजी आप मेरी बात तो सुनिए, आपको पूरी बात सुननी होगी। जिस लड़की को आप देख कर आ रहे हैं, हाँ मैंने उससे शादी की है, पत्नी है वो मेरी, लेकिन उस शादी को करने की कुछ मजबूरियाँ थी पिताजी। क्या मजबूरी थी? उसके पिताजी के मुझ पर बहुत एहसान है, और जब उन्होंने अपना दम तोड़ा मेरे हाथों में, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि सपना को कभी अकेला ना छोड़ूं, क्योंकि सपना के पिताजी के ख़त्म होने के बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, और उनको अगर किसी पर विश्वास था तो वो मैं था। सिर्फ यही वजह थी कि मैंने सपना को अपनाया, बाकी कभी मैंने आपके दिल को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की, या ऐसा भी नहीं है कि मैं राधा को नहीं चाहता। राधा को मैं काफ़ी चाहता हूं, लेकिन मजबूरी और हालातों ने मुझे इस कदर फंसा दिया कि मुझे मजबूरी में सपना को अपनाना पड़ा। क्या तूने इसको बताया कि मैं शादीशुदा हूँ? अरे बेवकूफ, कितनी भली और कितनी भोली लड़की है कि तुझ पे विश्वास कर रही है, अभी उसे कल को पता पड़े तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। और वो राधा, वो तो बिल्कुल राधा की तरह एक पवित्र मूर्त है, वो तुझे भगवान की तरह समझती है, कि वो ऐसे प्यार करती है जैसे उसका कृष्ण। और तू तो ये कंस बना बैठा है कि उसका भी घर उजाड़ रहा है और उसका भी। तुझे सोचना चाहिए था कि मेरे बाप को पता पड़ेगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। सोचो, वो जब आएगा और ये हकीकत मालूम पड़ेगी, वो किस मुंह से इन दोनों लड़कियों को कैसे बताएगा? पिताजी मैंने काफ़ी बार कोशिश की कि मैं आपको पूरी सच्चाई बता दूं, लेकिन डर ने मुझे इस कदर घेर लिया कि मैंने इस बात को छुपाना चाहा, और जितना मैं इस बात को छुपाता चला उतना ही मैं गिरता चला गया, और हालात ये हो गए। इसीलिए मैं 2 महीने से घर नहीं आया, क्योंकि आपने मेरे ऊपर इतना कह दिया था मुझसे कि अब की बात चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बहू को तुझे ले जाना पड़ेगा। मैं डर गया था पिताजी। पगले, तेरी तो चल जाती चल, तू झूठ बोल रहा है, मगर तेरे मालिक
उन्होंने भी एक ऐसा सफेद झूठ बोला कि मैं उस पे भी विश्वास कर बैठा। पिताजी मगर उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये कहानी तो तूने बनवाई होगी ना। जी पिताजी, तभी तो वो मुझसे झूठ बोले। जी पिताजी, वो आदमी सही है, लेकिन मेरी बातों में ही आकर उन्होंने ये सब आपसे कहा होगा सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए। पिताजी देखिए, बस आप हैं, आप ही अब इस बात को संभाल सकते हैं, शायद आप ही राधा को समझा सकते हैं। मैं अपनाने के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं राधा को छोड़ दूंगा या मैं अपनी सपना को अपनाऊंगा, नहीं, बस बात संभालना अब आपके ऊपर है। देखिए, अगर मैं उससे ये बात कहूँगा तो उसके दिल को ठेस पहुँचेगी और शायद वो अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे, और अगर मैंने सपना को ये बात अपने मुँह से बताई तो शायद सपना भी ऐसा कुछ कर बैठे। लेकिन आपकी बात को वो समझेगी, क्योंकि राधा आपकी हर बात को मानती है। आप अगर उसे प्यार से समझाएंगे तो शायद वो समझ जाए। पगले, तूने तो जरा सी देर में कह दिया कि समझा देना। पगले, राधा से क्या कहूंगा? तूने तो जरा सी देर में मुझसे ये सारी बातें कह दी, मगर ये बातें मैं सच कहूंगा तू राधा तो यानी कि पागल सी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो पागल हो। जिस आदमी को देवता समझती थी वो इन बातों को सुनेगी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। हाँ, एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है, वो ये है कि मैं घर पहुंचूंगा तो वो दौड़ी दौड़ी आएगी, पिताजी क्या वो मुझे मिले? मगर मुझे एक जवाब देना होगा कि हाँ, मैंने कुछ देखा। वो पूछेगी, क्या पिताजी? कि एक्सीडेंट में तेरे पति की मौत हो गई। क्या पिताजी? हाँ, मुझे यही कहना पड़ेगा। कुछ दिन विधवाओं की जिंदगी तो जिएगी, मगर कोई बात नहीं, इस पत्थर को मारने से तो अच्छा है कि एक पत्थर ऐसा टूटे कि वो जिएगी तो सही। पिताजी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब जब मैंने ही ये गुनाह किया है तो इसका पश्चाताप भी मैं ही करूंगा। पश्चाताप? पश्चाताप तू क्या करेगा? तूने तो दो दो जिंदगियां बर्बाद कर दी। इसका पश्चाताप ये होगा पिताजी, क्या हो? जब आपने कह ही दिया है कि आपका बेटा आपके लिए मर चुका है, जब आप बहू से ये कहने वाले हैं तो मैं सच में ही अपनी जान ले रहा हूँ। अरे, जब मैं रहूँगा ही नहीं तो दोनों ही सबर कर लेंगे। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? मैंने तो इसलिए कहा कि राधा से कह दूंगा कि उसका पति एक्सीडेंट में मर गया, तो वो कुछ दिन रोएगी, कुछ दिन विधवाओं की जिंदगी काटेगी, मगर फिर भूल जाते हैं सब। पिताजी, मानता हूँ कि वो भूल जाएगी, वो जिंदगी काट भी लेगी, लेकिन मैं जो गुनाह कर बैठा हूँ, मैं जिंदगी कैसे काटूंगा? कब तक इस बात को अपने मन में दबाए रखूंगा? मैं तो ना तो इससे आप मिला सकता हूँ और ना राधा से मैं आके भी नहीं मिला पाऊंगा। बेटा देख, वो भी किसी की बेटी है, वो भी तेरा इंतजार देख रही होगी। तू जा, और सुन, तुझे मेरी कसम, जो कोई गलत बात कहे या करे या दिमाग में भी लाए, तू मेरा बेटा है ना, सामना कर, ठीक है? तू जा जा, और हाँ, गांव में पलट कर बज मत आना, समझ लेंगे हमारा बेटा मर चुका है। अरे राधा, राधा। अरे पिताजी, आप आ गए? हाँ बेटा, ले ये सामान ले आया।
ले आए पिताजी? हाँ बेटा, सामान तो सारा आ कोई गया। परेशानी तो नहीं हुई पिताजी आपको आने में? नहीं बेटे, कोई परेशानी नहीं। परेशानी की क्या बात है, अब तो शहर में रहना जाना लग रहा है, तो अब कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा पिताजी। हाँ बेटा, क्या हुआ? आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं बेटे, मैं भला क्या छुपाऊंगा तुझसे पगली। चल चाय बना अच्छी सी। ये तो है नहीं है कि चाय की पूछे फलानी बात। एक बात और पूछनी है आपसे। बोल। आप जय के पास गए थे? जय तो अभी कहाँ मिलेगा मुझे, मैं क्या करूंगा उसके पास। मैं तो अपने काम से गया था गिरारी लेके और आ गया। वैसे भी तुझे बताया नहीं था पिछली बार कि वो 2 महीने बाद आएगा। पिताजी आप मुझसे कुछ जरूर छुपा रहे हैं, आपकी बातों से ही मुझे लग रहा है। तू पागल हो गई है? आप मुझे कुछ छुपा रहे हैं ना? पागल, तू हमेशा खुश रहा कर, मुझे तू है ना माई सुनती हुई बहुत बेकार लगती है। लगता है पता नहीं क्या पागल सी खड़ी है। सुन, आ जाएगा 1 महीने में, अगले महीने में आ ही जाएगा। आएगा तो यही ना, यहाँ बाप अभी जिंदा है, उसका बहू है, तो हम दोनों नहीं रहेंगे जब आना बंद होगा उसका। वैसे तुम लोग मुझे छोड़ जाओगे, मगर मैं तो मैं नहीं छोड़ूंगा बेटे। चलो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चल चाय बना। साहब, सर को कुछ पता हो? सर सर। अरे कौन? अरे भाभी जी, नमस्ते। कैसे कैसे क्या? जय घर पर नहीं आए हैं? जय घर पर नहीं आए? हाँ, तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। अरे आ जाएगा, कहीं गया होगा? अरे नहीं, काफी टाइम पे निकले हुए हैं घर से। उनके गांव से कुछ मतलब बुजुर्ग आए थे। गांव से बुजुर्ग आए थे? हाँ, एकदम पगड़ी सी बांध रखी। पगड़ी सी? हाँ। मतलब उन्होंने कुछ बताया? नहीं कुछ नहीं बताया, वो तो मुझे रास्ते में मिले थे। अच्छा? मैं उनको घर पर ले आई थी। हाँ हाँ। उनको चक्कर आ रहे थे। चक्कर आ रहे थे? हाँ, जय भी घर पे आ चुके थे। तो इसका मतलब आप उनको घर पे ले गई? हाँ, मैं घर पे ले गई। जय भी मिला? हाँ, जय भी आ चुके थे घर पे। उन्होंने कुछ बताया आपको? नहीं कुछ नहीं बताया। अच्छा। बस मैंने उनको पानी वानी पिलाया, फिर वो अपने गाँव जाने लग गए। गाँव जाने लगे? हाँ, वो वही कहते। अच्छा, उनके गाँव के होंगे। हाँ। लेकिन जय, मैंने उसे बोला कि इनको छोड़ाओ, फिर उसके बाद वो घर वापस नहीं आए। वापस नहीं आए? वापस नहीं आए। इसका मतलब है? मुझे तो बस बाहर तक छोड़ने के लिए भेजा था, ये थोड़ी ना गए, मुझे क्या पता था वापस नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, एक काम करो, रात बहुत हो गई, आप चले जाओ आराम से, मैं देख के लाता हूँ, ठीक है? तो फोन भी स्विच ऑफ है। हाँ, तो मैं यहीं कहीं होगा तो मैं देख लूंगा, ठीक है? लेकिन मैं थोड़ा बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। अरे चिंता मत करो, आप आराम से जाओ, ठीक है? मैं लेकर आऊंगा उसको, ठीक है? चलो ठीक है, जरूर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, आप चिंता मत करो, है ठीक है। ये क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं? तो वो जय के पिताजी हों, लेकिन जय के पिताजी होते तो इसको जरूर बताते। जय उनको छोड़ने गया, घर वापस नहीं आया। मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। जय के कौन कौन से ठिकाने? हाँ,